बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इज ए लर्निंग। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेंडेलियन जेनेटिक्स में आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बारे में। डोमिनेंस क्या होती हैं या डोमिनेंट करेक्टर्स क्या होते हैं, ये सब हम मेंडल के लॉस में बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर चुके हैं। डोमिनेंस मेंडेलियन जेनेटिक्स में एक ही पॉइंट की हैसियत रखती है। और डोमिनेंस असल में होती क्या है, आपको मालूम है कि जीन हमेशा पेयर्स में मौजूद होते हैं, इनके पेयर्स को हम अलील कहते हैं। तो ये जो डोमिनेंस असल में ये जो जीन्स की अलील्स होती है उसके दरमियान का एक रिलेशनशिप होता है कि कौन सी अलील अपने आप को दूसरी अलील के मुकाबले में कैसे एक्सप्रेस करती है, इसी चीज़ को डोमिनेंस कहते हैं। अब डोमिनेंस अपने आप को तीन तरीके से एक्सप्रेस करती है, दो कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोर डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस क्या होती है? कंप्लीट डोमिनेंस जैसा कि हमने मेंडल्स के लॉस में पढ़ा था कि जब जीन के पेयर्स में से, कंट्रास्टिंग पेयर के करैक्टर में से एक अलील अपने आप को दूसरी के मुकाबले में एक्सप्रेस कर दे, ठीक है, और दूसरी के असर को रोके, हाइड करे, उस डोमिनेंस को हम कहेंगे कंप्लीट डोमिनेंस, जैसा कि हमने मेंडल्स के लॉस में पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल हम करैक्टर लेते हैं टॉलनेस का और ड्रॉफनेस का, ठीक है। तो टॉलनेस और ड्रॉफ प्लांट को जब आपस में क्रॉस करवाया गया तो हमने देखा था कि F1 जनरेशन में तमाम के तमाम प्लांट्स जो थे वो टॉल थे। किस वजह से? क्योंकि टॉलनेस और ड्रॉफनेस में से जो टॉलनेस वाला करैक्टर था वो डोमिनेंट था, जिसने अपने आप को F1 करैक्टर में शो किया और ड्रॉफनेस के करैक्टर को छुपा दिया। इसीलिए जो हमारे पास F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट आए थे वो कैपिटल टी स्मॉल टी तो थे, मगर वो सब के सब फिनोटिपिकली टॉल थे। इसी तरह जब इनको आपस में क्रॉस करवाकर F2 जनरेशन हासिल की गई तो हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो आई थी 3:1, यानी कि तीन प्लांट हमारे पास टॉल थे और एक प्लांट ट्रॉफ था, और इसकी जीनोटिपिक रेशियो आई थी 1:2:1, ठीक है। अब कंप्लीट डोमिनेंस जो है मेंडेलियन जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि भी प्लांट के अंदर जितने भी 7 करैक्टर्स मौजूद थे उन सब में ऐसा ही था कि एक करैक्टर अपने आप को दूसरे करैक्टर के ऊपर डोमिनेंट करता था और दूसरे को रिसेसिव कर देता था, दूसरे कैसर को छुपा देता था। तो ये तो हमारे पास थी कंप्लीट डोमिनेंस। मगर इसके साथ साथ डोमिनेंस के दो और केसेस भी देखने में आते हैं। दूसरे टाइप को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जो दो करैक्टर्स होते हैं हमारे पास उनको जब आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो दोनों करैक्टर्स आपस में ब्लेंड हो जाते हैं, यानी कि मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद एक नई टाइप की फिनोटाइप आती है जो कि अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होती है। कैसे? इसकी एग्जांपल होती है 4 o'clock प्लांट्स के अंदर। 4 o'clock प्लांट्स एक बहुत कॉमन प्लांट्स है, शाम के वक्त इसके फ्लावर्स ओपन होते हैं, इसीलिए इसको 4 o'clock कहा जाता है, और इसका बोटैनिकल नेम होता है मीराप्लस जलापा। इस प्लांट के अंदर दो तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं, या तो इस पौधे के अंदर फ्लावर्स रेड कलर के होते हैं या फिर वाइट कलर के होते हैं। रेड कलर को की जीनोटाइप को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल आर से, और इसके ऑपोजिट वाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। जब रेड कलर फ्लावर्स को वाइट कलर फ्लावर्स के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो क्या होता है कि ये दोनों करैक्टर्स की जो अलील्स है वो आपस में ब्लेंड हो जाती है या मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने के बाद F1 जनरेशन में एक नई तरह की फिनोटाइप आई। अब होना तो ये चाहिए था कि F1 में सबके सब प्लांट रेड आने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। F1 प्लांट में जितने भी फ्लावर्स आए वो सबके सब पिंक कलर के थे, ठीक है, ना तो वो रेड थे ना ही वो वाइट थे, बल्कि दोनों कलर्स आपस में मिक्स हो गए, ब्लेंड हो गए, और एक नई टाइप की फिनोटाइप अपीयर हुई F1 में, जिसकी जीनोटाइप तो कैपिटल आर स्मॉल आर ही थी, मगर फिनोटिपिकली वो प्लांट पिंक कलर के थे। इसी तरह जब इस F1 प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवाकर F2 जनरेशन हासिल की गई तो F2 जनरेशन में हमारे पास फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों रेशो जो है 1:2:1 आई, यानी कि कैपिटल आर वाला प्लांट रेड था, मगर कैपिटल आर स्मॉल आर वाले प्लांट्स रेड के बजाय पिंक कलर के थे और स्मॉल आर वाले वाइट कलर के। तो इसमें हमारे पास जो दोनों रेशो है वो 1:2:1 आई थी, ठीक है, यानी कि इसमें दोनों कलर जो है दो वो आपस में मिक्स हो गए और एक नई तरह की फिनोटाइप अपीयर होती है। ह्यूमन बींग्स में इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जाम्पल आ जाती है कलर
कि ठीक है कलर टेक्सचर ह्यूमन बींग्स के अंदर या तो स्ट्रेट हेयर होता है या दूसरी तरफ कर्ल हेयर्स होते हैं, कर्ली हेयर्स। जब स्ट्रेट हेयर और कर्ली हेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है तो हमारे पास एक नई टाइप की इंटरमीडिएट या ब्लेंडिंग फिनोटाइप आती है जो कि होती है वेवी हेयर्स। ठीक है, तो यह इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कॉमन एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स के अंदर हेयर टेक्सचर की है। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है को डोमिनेंस की। अब को डोमिनेंस में क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि को डोमिनेंस में क्या होता है कि जो जीन्स की अलील्स होती है वो दोनों की दोनों अपने आप को कम्प्लीटली तौर पर एक्सप्रेस करती है, दोनों अलील जो है अपने आप को डोमिनेंट करती है। को डोमिनेंस में क्या होता है कि इसमें रेसेसिव और डोमिनेंट वाला रिलेशनशिप नहीं होता है, बल्कि दोनों की दोनों अलील्स जो है वो अपने आप को मिलकर एक्सप्रेस करती है। कैसे, इसके कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बनाई है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि हमारे पास एक फ्लावर ब्लू कलर का है और दूसरा फ्लावर रेड कलर का है। जब हम इसको आपस में क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कैसे कि या तो हमारे पास फ्लावर्स आएंगे ब्लू कलर के जिसके अंदर रेड कलर के पैचेज होंगे, या फिर रेड कलर के फ्लावर्स आएंगे जिसके अंदर ब्लू कलर के पैचेज होंगे। अब इसमें क्या हुआ दोनों कंडीशन में कि दोनों कलर में ना तो किसी ने अपने आप को डोमिनेंट किया, ना ही एक्सप्रेस किया, और ना ही कंप्लीट डोमिनेंस की तरह ब्लेंड हुए, बल्कि दोनों के दोनों जो जीन्स हैं उन दोनों ने अपने आप को कंप्लीटली तौर पर शो किया, ब्लू कलर भी शो हुआ और रेड कलर भी शो हुआ। इसकी और मोस्ट कॉमन एग्जांपल एनिमल्स के अंदर आ जाती है काउस की। काउस को बहुत कॉमनली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी काउस होती है जो कि रेड और वाइट कलर की होती है या फिर ब्राउन और वाइट कलर की होती है। किस वजह से, इसी को डोमिनेंस की वजह से। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक काउ आती है ब्लैक कलर की और दूसरी काउ है वाइट कलर की। जब इनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो को डोमिनेंस की वजह से जो हमारे पास न्यू काउस की वेराइटीज आती हैं उनमें वाइट और ब्लैक दोनों कलर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए इसमें वाइट और ब्लैक दोनों जीन्स ने अपने आप को डोमिनेंट किया, दोनों जीन्स एक दूसरे के साथ साथ डोमिनेंट रही। को डोमिनेंस में डोमिनेंट और रेसेसिव वाला रिलेशनशिप होता ही नहीं है, कोई भी अलील ना तो डोमिनेंट होती है ना ही रेसेसिव होती है, बल्कि दोनों अलील्स मिलकर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। यही वाला केस ब्राउन और वाइट कलर की काउस में भी आता है। ठीक है, और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर को डोमिनेंस की मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स आ जाती है ब्लड ग्रुप्स की। आपको मालूम है कि ब्लड ग्रुप्स चार तरह के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ओ। अब इस ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं, आपने अगर ब्लड ग्रुप वाली वीडियोस देखी हो तो ब्लड ग्रुप्स के लिए जो प्रोटीन्स मौजूद होती है उसको हम कहते हैं एंटीजन, और एंटीजन बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। अब क्योंकि दो तरह की एंटीजन्स ब्लड के अंदर मौजूद होती है तो दो तरह की ही यहाँ पे अलील्स मौजूद होंगी, यानी कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप ऐसा करैक्टर है जिसमें एक करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा अलील्स मौजूद होती है। इसको हम मल्टीपल अलील्स भी कहते हैं। ठीक है, कैसे कि यहाँ पे ए के लिए हमारे पास जीन मौजूद होगी आई ए, और बी ग्रुप के लिए एंटीजन के लिए जो हमारे पास जीन रिस्पॉन्सिबल होती है उसे हम कहते रिप्रेजेंट करते हैं आई बी से, और इसके ऑपोजिट रिसेसिव जीन इसकी होगी आई। अब ऐसे ह्यूमन बींग्स जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनके पास जो जीन्स मौजूद होती है वो होंगी आई ए आई ए या फिर आई ए स्मॉल आई, और जो ब्लड ग्रुप ई होता है उसके पास जीन्स मौजूद होती है आई बी या फिर आई बी और स्मॉल आई। मगर जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, अब इसमें क्या होता है कि दोनों की दोनों जीन्स अपने आप को डोमिनेंट करती है, आई ए भी मौजूद होगा उस पर्सन के पास और आई बी भी मौजूद होगी, यानी कि यहाँ पे दोनों जीन्स ने या दोनों अलील ने अपने आप को डोमिनेंट किया। ठीक है, एक दूसरे के साथ साथ दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया जिससे हमारे पास एक ब्लड ग्रुप आ जाता है ए बी, और जो ब्लड ग्रुप ओ होगा उसके पास कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होगी, आई ई स्मॉल आई स्मॉल आई उसके पास एंटीजन्स मौजूद होगी। इस टॉपिक को हम मल्टीपल अलील्स भी कहते हैं जिसमें एक रैक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन्स मौजूद होती है। इस ब्लड ग्रुप्स को हम ज्यादा डिटेल के साथ मल्टीपल अलील वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे या कवर अप करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डोमिनेंस की थ्री टाइप्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर समझ आ गया हो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।